नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्षा ऋतु खंडूड़ी को एक मामले में सफाई देनी पड़ी है और सफाई देनी पड़ी है नियुक्तियों के मामले पर। प्रेमचंद अग्रवाल और गोविंद सिंह कुंजवाल के कार्यकाल में नियुक्तियों के मामले में तो एक समिति का गठन ऋतु खंडूड़ी ने किया था, लेकिन उन्होंने जब विधानसभा अध्यक्षा की कुर्सी संभाली तो उन्होंने भी तदर्थ के आधार पर 3 कर्मचारियों की तैनाती की, या कह लीजिए कि विधानसभा में नियुक्ति की। 3 कर्मचारियों के नाम मैं आपको बताता हूं। 19 अप्रैल 2022 का ये आदेश है जो वायरल हुआ है। अशोक शाह, भूपेंद्र नारायण और तीसरा नाम है विजेंद्र प्रताप पांडे। 3 लोगों को नियुक्ति ऋतु खंडूड़ी ने दी है और ये तीनों लोग उत्तराखंड मूल के नहीं हैं। इन तीनों लोगों का जो पता दिया गया है वो दिल्ली का दिया गया है। इसके बाद ऋतु खंडूड़ी तमाम विरोधियों के निशाने पर है। जाहिर सी बात है, ऋतु खंडूड़ी ने जब समिति बनाई 250 के आसपास कर्मचारियों को विधानसभा से बर्खास्तगी का इस समय पूरा प्रोसेस चल रहा है, तो ऋतु खंडूड़ी के खिलाफ भी एक माहौल बनना था। इस पूरे प्रकरण पर ऋतु खंडूड़ी ने क्या कहा, आप सुनिए। 2 चीजें हैं, एक तो मेरा निजी स्टाफ है और किसी भी विधानसभा अध्यक्ष को पूरे देश में, किसी भी मंत्री को, मुख्यमंत्री को ये अधिकार है कि वो अपना पर्सनल स्टाफ रखें। इसमें मैंने कोई नई चीज़ नहीं की है, ये होता चला रहा है, वही मैंने भी किया है। और दूसरी चीज़ है कोटर्मिनस। कोटर्मिनस का मतलब ये होता है कि जिस दिन तक मैं चाहूँगी वो रहेंगे, जिस दिन मैं इस पद को छोड़ूंगी वो मेरे साथ चले जाएंगे। तो ना तो वो परमानेंट स्टाफ, ना वो एडहॉक स्टाफ है, और किसी तरह की सुविधा तनख्वाह के अलावा वो नहीं लेता है। इसके अलावा बहुत से मंत्री, बहुत से स्टेट्स में, सेंटर में हमारे भी भाई बहन काम कर रहे हैं, तो इस चीज को कह देना कि आपने अपने पर्सनल स्टाफ में कुछ बैकडोर एंट्रीज की हैं, ये बिल्कुल गलत है। जाहिर सी बात है, विधानसभा में नियुक्तियां बड़ा विवाद का कारण रहा है और राज्य सरकार की बड़ी किरकिरी हुई है, बीजेपी की बड़ी किरकिरी हुई है। ऐसे में ऋतु खंडूड़ी के द्वारा रखे गए 3 लोगों पर भी सवाल खड़े उठे हैं। अब देखना है कि इस मामले में क्या होता है। फिलहाल के लिए साथियों इतना ही। अगले रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले 2 विशेष आग्रह। ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, अपनी टिप्पणियां जरूर कीजिएगा कि इस मामले में क्या होना चाहिए। नमस्कार।